तो जैसे ही अपने मिनी जू में आए ना, तो हमारा कबूतर ना बार बार यहाँ से घर लेके और ऊपर की तरफ जा रहा है घर बनाने के लिए। क्या हुआ उधर में? जाने दो, रहने दो। तो इसको बार बार उठा के ले जा रहे, इसको बहुत ज्यादा ना तकलीफ सा हो रहा है कि बार बार आ रहा है और जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, जितना इधर में है ना, इसको थोड़ा सा ना उठा के ना ऊपर में रख देते हैं, जिसके वजह से वो अपना खुद से भी ना घर बना लेगी। तो इसमें हम लोग ले जाके, इसमें हमारी कबूतरी अभी अंडे पे बैठी हुई है, तो इसको अंदर की तरफ रख देते हैं, वो अभी ना अपने से खुद से ही बना लेगी। क्या हुआ? हाँ छोड़ दो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी हमने जैसे ही अंदर में आया ना, तो अभी भी हमारा कबूतर ले ही जा रहा है। तो इसमें हमने थोड़ा सा हेल्प कर दिए, नीचे से उठा के रख दिए। क्या हुआ? हाँ तो अभी देख सकते हैं, हमने इधर रेबिट अपना फिर से घर बनाने लगा। इसके लिए हमने घर इधर में दे रखे हैं कि इधर में अपना रह जाए, पर इसमें बिल हल्का कर दिया, उसके बाद इसमें जा ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग इसमें तो फाउंटेन बनाएंगे। फाउंटेन के लिए ना थोड़ा और जगह ना हम लोग थोड़ा इसमें ज्यादा दूर में मिट्टी डालना है। तो जितना ईंट था ना हमने उठा के इधर में रख दिया है, और बाकी ईंट भी निकालना है। निकालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे मिट्टी। मिट्टी डालने के बाद इसको थोड़ा बराबर करके ईंट बिछा के फिर फाउंटेन रेडी करेंगे। तो हमारा रेबिट अभी इधर में ना इतना बिल कर दिया, जिधर देखो उधर ही बिल बना रहे हो, घर बना रहे हो। चलो उठा के रख देते हैं तुम्हें तुम्हारे घर में। कल हम इसको पकड़ रहे थे ना, तो ये भाग रहा था डर के मारे, अभी पकड़ा गया। तो इसको ले जाके अभी इसके घर में रखते हैं। जाओ। आज दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडा भी है, क्योंकि हवा बहुत तेजी में चल रहा है, इसीलिए हमने सब ने देख रहे पूरा टोपी जैकेट पहन के, हमारे बेटे भी टोपी जैकेट पहन के है ना। तो अभी हमारी जो मुर्गी है इसमें बैठती है, अंडा दी है नहीं दी है? क्या हुआ उसमें? चला गया कबूतर हमारा, बार बार निकल रहा है और जाके घर लेके जा रहा है और घर बना रहा है। अच्छी बात है, ठंडा की वजह से ना उसको पहले तो दो तीन दिन कुछ नहीं लेगी, अभी ठंडा जो बढ़ गया ना, तो इसके वजह से वो भी ना बार बार उठा उठा के ले जा रहा अपना घर को, और ज्यादा मजबूती से मतलब ठंडा से बचाव कर रहा है। क्या हुआ अन्ने? क्या हुआ उधर में? क्या हुआ है? तो हमारी जो जितने भी चूजे हैं वो सभी उस साइड में है। तो अभी हम लोग चलते अपने चूजों के पास। पेड़ पे भैंस ने लात धर दिया था, तो उसको लग गया है चोट, तो इसके वजह से थोड़ा कम चलता है। तो इसको हम लोग थोड़ा पानी पिला देते हैं, और उसके बाद इसको दाने पे रख देंगे, जहाँ दाना रहेगा ना वहाँ पे अपना उठा उठा खाते रहेगा। तो इसमें से थोड़ा इसको पानी पिला देते हैं। पीलो पीलो पीलो। पानी पीने के बाद इसमें रख देते हैं, अपना दाना खाते रहेगा। वैसे अपनी माँ के पास जा रहा था, इसको भी मन कर रहा है ना अपने सभी जो भाई बहन है उनके साथ घूमे, चूजों के साथ घूमे, जो कि जैसे कि इधर में ये सभी चूजे ना घूम घूम खा रहे हैं। वैसे वो भी चाह रहा है कि इन लोगों के साथ रहे, तो इसलिए ना वो यहाँ तक आ गया था, यहाँ से कुछ ही दूर में उधर पहुंच जाता। क्या हुआ? अच्छा चलो 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 उधर में चलो चलो चलो। जब आज ना हमने अपने सफेद वाले मुर्गे को खोल दिए हैं, क्योंकि ना बंधे बंधे ना उसका टांग ना फूल सा गया था, पूरा मोटा सूज सा गया था, तो इसलिए हम लोग आज उसको आजाद कर दिए। आज घूमे जा रहा है, घूमेगा अच्छा रहेगा, थोड़ा उसका फ्रेश होगा, फिर अगर ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम लोग उसको बांध देंगे। क्या हुआ बेटा? किसमें? ये देखिए मंकी इधर में हमें पकड़ रहा है। क्या हो गया मंकी है? रात मालूम है मंकी क्या है, इधर से हवा आता है। तो हम लोग इधर में ना ये बोरी लगा रखे थे, इसको खींच के ना बाहर की तरफ कर दिया, लग रहा है उसको ठंडा नहीं लगता है, ऐसा कर रखा है। तो हम लोग इसको ना फिर से लगा देते हैं, क्योंकि आज बहुत तेज हवा चल रहा है और ठंड भी बढ़ हिस्सा गया है। तो इसको लगाने का किधर है, इधर में फंसा देते हैं, तो अभी थोड़ा कम हवा आएगा। और हमारी जो हिरनी है वो भी आज इधर में बिल्कुल सीधी से, इसको भी ना हमने चट वट पहना दिए जिससे इसको ठंडा सा ना लगे, और कितना पोप कर रखे। और तो और इसके लिए ना मम्मी ने ना गद्दा सा बना दिया है, इसके अंदर ना ये जो पुआर होता है ना ऐसा वाला, इसमें भर के और बिछा दिया, इस पे ना ऐसे बिछा देती है मम्मी, तो इस पे आराम से हमारी हिरनी बैठ जाती है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ है? और जाने तो नहीं मार रहा, वो छोड़ दो, वो खा रहा है लो। तो अभी हमारा कड़कनाथ मुर्गा
जो कि हमारा जो सफेद वाला मुर्गा खुला है ना, जब से इधर उधर भागे जा रहा है। क्या उधर में क्या है? हमारी तो मुर्गी इधर अंडे भी नहीं दे रही है कि इसमें जाओगे। हमारी कड़कनाथ जो मुर्गी थी इसी के अंदर अंडे देती थी, आजकल वो अंडे नहीं दे रही है। अभी हम लोग सफेद वाला मुर्गा खोल देना, मुझे लगता है अब अंडे क्या पता दे दे। क्या है? छोड़ दो जाने दो। तो अभी हम लोग चलते हैं, रेबिट के लिए ले आते हैं घास और अपने सभी परिंदों के लिए ले आते दाना। तो अभी हमारे इधर में है घास जो कि ले लेते हैं हम लोग अपने रेबिट के लिए, इधर से ले लेते हैं। और तो और हमारे जितने चूजे भी है ना, इसको बड़े प्यार से खाते हैं, ये वाले घास को कल हम लोग दिए थे इसको, तो बड़े प्यार से खा रहे थे। तो अभी देखते हैं खा रहे हैं कि नहीं। लो थोड़ा सा, लो थोड़ा सा, लो थोड़ा थोड़ा लेके सबको दो, सबको दो। आ जाओ लो लो, नहीं लिए, लो लो लो, डालो डालो डालो, सभी लोग खाए, खाओ खाओ खाओ, लो लो लो। क्या कर रहे हो बेटा? देख कम रहे हो, छीट ज्यादा रहे हो इधर से उधर। तो हम लोग इधर दे देते हैं, अपना रेबिट भी इधर में है, आके खा लेगा। और हमारे सभी चूजे भी खाना स्टार्ट कर दिए। ये वाला ना घास बड़ी प्यार से ले रखे हो हाथ में, तो अभी इसको थोड़ा सा मंकी को दे देते हैं, मंकी खाता है कि नहीं। ये भी खींच रहा है, खाएगा, अच्छा लगेगा तो खा लेगा और नहीं तो छोड़ देगा। वैसे ये ना हम लोग साग में भी यूज करते हैं, सरसों का जो साग है ना, इसमें देखिए ये वाला है, ये वाला सरसों का साग है। अभी हम अपने कड़कनाथ मुर्गा को भी दे देते हैं, खा लेगा। मुझे बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है, हमारे सभी परिंदे खा रहे हैं। अरे ये कैसे आ गया बाहर की तरफ? इसको बाबू मारा है, इसको मार दिए, छोड़ दो, जाने दो, इस पे रहने दो, अपना बैठा रहेगा इधर, खा लेगा। हमारी चाइना मुर्गी भी इधर ही घूम रही है। मुझे भाई कमेंट करते, भाई आप मंकी कहाँ से लेके आए? तो भाई मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया, आप उसमें ही सब चीज मैंने जानकारी दिया, प्राइज राइज कितना है सब मैंने बता दिया, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या बेटा चाचा लगे जाओगे? हमारा जो छोटा भाई है ना, वीडियो में पहले आता था, अभी वो बाहर में है, वो हम कब आएगा हम लोग के वीडियो में फिर वापस? आप लोगों अगर चाहिएगा तो जल्दी आ जाएगा। क्या उसमें? तो अभी भी हमारा कबूतर ले ही जा रहा है, इतना बड़ा खर उठा लिया, जाओ 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 लेके जा रहा है। तो वो अभी घर बना रहा है, और थोड़ा सा ये ईंट उखाड़ना है, ये सब हम निकाल देते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी फाउंटेन अपना रेडी कर पाएंगे। हम लोग को ईंट निकालना है, अभी मत करो, चूजे भी इधर खा रहे, खाने दो। क्या बेटा जी? नहीं है चाचा, अभी नहीं है चाचा, बाहर में है। चलो अभी हम लोग ईंट निकालते हैं। तो अभी हम लोग ले लेते हैं इधर से, ये वाला जो शवल है ना, सब ये अपना छेनी प्लास वाला सब रख रखे है, क्योंकि अभी हम लोग मिनी जू में थोड़ा काम कर रहे हैं अपने खुद से ना, तो इसीलिए सब इसी में रख रखे है। जब पूरा फाइनल रेडी हो जाएगा ना, तब ऐसा मिनी जू हम लोग का नहीं लगेगा, कुछ अलग ही लगेगा। तो अभी हम लोग इधर से निकाल देते हैं सब ईंट, इधर से डाल डाल के। तो रेबिट भी आके ना सोच रहा है उसका घर हम लोग फिर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ना इधर में बना रहा था ना, तो उसको लग रहा है फिर हम लोग हटा रहे, हटाना जरूरी है उसके लिए, तो स्पेशल हमने बना के दे दिए, उसमें जा ही नहीं रहे पता नहीं क्यों। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, और आज फिर हम लोग पता करेंगे हमारा रेबिट कब आ रहा है, जिसको हमने ऑर्डर दिए हैं, कब वो हमारे बस पे लोड होगा, तब वो आएगा, तब हम लेकर आएंगे, तब ये एक नहीं दो हो जाएंगे। जितना भी इधर में ईंट निकालना था ना, हमने इधर से पूरा ही निकाल दिए हैं। अभी ना रेबिट के घर तक हम लोग को मट्टी डालना है, उसके बाद रेबिट का घर चालू हो जाता है। इतने दूर में मट्टी डालना है, फिर हम लोग फाउंटेन बनाना स्टार्ट करें। मट्टी इसलिए नहीं डाल पा रहे ना, क्योंकि हम लोग को मट्टी अभी आया नहीं है, आ जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे और फिर इसको फाउंटेन का काम स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे कबूतर, जितना हमारे चूजे ना, उतने सारे हमारे कबूतर रहते ना इधर, पूरा भरा भरा सा रहता, कितना अच्छा सा लगता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।